चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर चरोदा स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी माता रानी की विधिवत पूजा अर्चना कर नवरात्र पर्व की शुरुआत की गई। इस अवसर पर 275 मनोकामना ज्योति कलश स्थापित किए गए हैं जो 9 दिन तक प्रज्वलित रहेंगे। इसे लेकर मंदिर के पुजारी संतोष शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। कोरोना काल खत्म होने के बाद 4 नवरात्रि तक हनुमान मंदिर चरोदा में ज्योति कलश स्थापित नहीं की गई थी। इस वर्ष 2022 में चैत्र नवरात्र की कलश स्थापित हनुमान जी महाराज के समक्ष की गई है, जिसमें जिनकी 2020 में जमा था राशि, कुछ ज्योति कलश उसकी जल रही है, कुछ नया है, ऐसा करके कुल टोटल 275 ज्योति कलश इस समय स्थापित है। इसलिए कि पिछले समय में 2020 में जो राशि जमा किए थे, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, उनकी राशि अभी भी जमा है, और चाहें तो शरद नवरात्रि दुर्गा पक्ष में जिनकी नहीं जल पाई है वो अपनी राशि जमा करके, अतिरिक्त राशि को जमा करके वो अपनी ज्योति कलश जला सकते हैं। इसी के माध्यम से प्रचार प्रसार होती रहती है, इसलिए मैं यह बात बोला। लेकिन आज हमारे पास सिर्फ 275 ज्योति कलश स्थापित है। पिछले वालों का जिसकी अभी नहीं जल रही है और जब जलाना चाहते हैं, फिर दूसरा बार बोल रहा हूँ, वो अपनी राशि चाहे कुमार नवरात्रि दुर्गा पक्ष में जमा करके अपनी ज्योति कलश को जलवा सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान सबका कल्याण करे। माँ भगवती हनुमान जी महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह यह विषम परिस्थितियों का दौर समाप्त हुआ, अब एक नया सृजन जो है नए वर्ष के साथ शुभारंभ हो रही है। इन्हीं के साथ मैं सभी के लिए भगवान हनुमान जी से, माँ जगदम्बा से निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करें, सबका कल्याण करें। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले दुर्गा मैया की जय।